मेरे भाई पीछे बैठे हैं, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आशिक एक दीवानगी एक मोहब्बत, जो एक दीवाना कहता है, मैं मतलब पहुंचाता हूँ, चक्कर में मत पड़िएगा, सुनिए। बुला दफ रहा है, काश मदीने में एक मेरा भी घर होता। बुला दफ रहा है, काश मदीने में एक मेरा भी घर होता। काश मदीने में एक मेरा भी घर होता। देखिएगा कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। हर्षित जी, उलमाए किराम गवाह नहीं होंगे, यकीनन अगर ईमान अकीदा आपका यह है कि नबी देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी देख रहे हैं। और आपकी अकीदत को जो सीने में मदीना लिए बैठे हैं, चेहरे पे लाइए और मोहब्बत कीजिए, इंशाअल्लाह मदीना जरूर देखेंगे। मुलाजा फरमाए, ऐ काश मदीने में एक मेरा भी घर होता। ऐ काश मदीने में एक मेरा भी घर होता। दुआ करें कि बच्चा आ गया, अब्बा को आकर देखिए दुआ करके। सुभान अल्लाह। और बड़े भाई जी, मैं अपने बड़े भाई की तरफ से एक शेर पढ़ूंगा, है ना। माशाल्लाह दुब्बा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुराए, ऐसे ही चमक भी रहे दादा। जिसका आ रहा है इंशाल्लाह पूरा मजमा मुस्कुराएगा, सुनिएगा। बन कर के कबूतर मैं रह जाता मदीने में। मिस्र तक पहुंच जाइएगा तो सारे हाथ उठ जाएंगे इंशाअल्लाह। मुलाजा फरमाए, बन कर के कबूतर मैं, बन कर के कबूतर मैं, बन कर के कबूतर मैं रह जाता मदीने में। बन कर के कबूतर मैं रह जाता मदीने में, बन कर के कबूतर मैं रह जाता मदीने में, बन कर के कबूतर मैं रह जाता मदीने में, बन कर के कबूतर मैं करके सफर होता। माशाअल्लाह, आज लग रहा है कि मैं पहली बार मुस्तफा भाई आपके माइक में पढ़ रहा हूँ। वही जवानी याद आ रही है आपकी जो 15 साल पुरानी थी। हाँ, आज बूढ़े हो गए लेकिन इनका माइक थोड़ी बूढ़ा हो गया। अब आशिकों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। अगर ये सामने नौजवान बैठे हैं, मेरे सीने में मदीना होगा तो इंशाअल्लाह चेहरे पे नजर आएगा। मुझे देखना है कितने दीवाने हैं। मुलाकात फरमाए, इस हालों में आ जाती। पहले मिसरा सुन लो, उसके बाद आहा कहना है। आने वाला मिसरा इतना अच्छा है कि तू खामोश न रह पाएगा। मुलाकात फरमाए, इस हालों में आ जाती। काश सजा मुझको इस हाल में आ जाती, ऐ काश सजा मुझको इस हाल में आ जाती। मेरी जमी होती सरकार का घर होता। मेरी जमी होती सरकार का घर होता। मेरी जमी होती सरकार का घर होता।
पानी में नजर हो गई है। वाह बाबा, देखने वालों की नजर हाय है ना, कोई यहाँ की नजर से देखता है, कोई यहाँ की नजर से देखता है। देखिएगा, शेर पढ़ने जा रहा हूँ, संभाल लीजिएगा, ये बड़ा ही पढ़ा लिखा इलाका है, इन उलमा की लाज रख लीजिएगा। इस शेर को सुने, कोई कहता है बशर है अपनी तरह, माज़ अल्लाह, लेकिन यहाँ दीवाने बैठे। सुनिएगा एक शेर पढ़ रहा हूँ, कि किस आँख में रह जाती फिर ताब नजारे की। शेर आ रहा है, संभाल लीजिएगा, मुरादा फरमाए, किस आँख में रह जाती, किस आँख में रह जाती फिर ताब नजारे की, किस आँख में रह जाती फिर ताब नजारे की, किस आँख में रह जाते। बशरियत का परदाना, बशरियत का परदाना, बशरियत का नूर पे कर होता। मुस्कुराता हुआ मतलब कह दीजिए ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस मुस्कुराहट में और इजाफा फरमा दे। मेरे नबी के नवासे को प्यासा कहने वालों, आओ तसर्रुफात की दुनिया में तुम्हें ले चलता हूँ, बात में सच्चाई हो तो पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर दुआएं देगा। ठीक है, तैयार है आप? मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोलिए रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। मुलाकात फरमाए, सुनिएगा, के होता ना अगर उनके हाथों में तसर्रुफ तो। सुनिएगा, मुलाकात फरमाए, इस मोहल्ले की तरफ मेरा निशाना ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये नजर नहीं आ पा रहे हैं, उलमाए किराम देखेंगे, दुआएं दीजिएगा। मुलाकात फरमाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस तफाज के लिए बड़ी बहुत बड़ी शख्सियत है जो सिरदारे हैं, बहुत सुभान, बड़े आलिमों की पहचान है, माशाअल्लाह। हजरत मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, इधर वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, समाज कीजिएगा, मुलाजा फरमाए, के होता ना अगर उनके हाथों में तसर्रुफ तो, होता ना अगर उनके हाथों में तसर्रुफ तो, होता ना अगर उनके सूरज न पलट आता, टुकड़े कमल होता, सूरज न पलट आता, टुकड़े न कमल होता, सूरज न पलट आता, टुकड़े न कमल होता, सूरज न पलट आता, टुकड़े न कमल होता। मोहब्बतें, एक मतलब और पढ़ना चाहता हूँ, और ये